वेलकम बैक टू माय चैनल तनुका पॉटपौरी और मैं हूँ तनुका. आज है संडे, नाउ इट्स आफ्टरनून टाइम, सो गुड आफ्टरनून. अभी टाइम हुआ है 12:30, ऑलमोस्ट 12:30, और मैं नहा के पूरा रेडी हो गई हूँ. हम जा रहे हैं बाल्टीमोर में इस्कॉन का जो टेम्पल है वहाँ पे. और ये टेम्पल बहुत पुराना है. पहले एकदम छोटा सा एक टेम्पल था यहाँ पे, जहाँ पे हम बहुत बार गए हुए हैं, लेकिन नया सा टेम्पल बना है. उसके एकदम पास ही एक नया टेम्पल बना है जो बहुत बड़ा है. मैंने फोटोज देखा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो नया है, हम कभी गए नहीं. 2 years हुआ है शायद से, 2 या 3 years हुआ है ये नया टेम्पल जो बना है, लेकिन हम कभी गए नहीं. इस बार हम सोचे थे जन्माष्टमी के दिन टेम्पल जाएंगे, लेकिन जन्माष्टमी के दिन मैं घर में पूजा करती हूँ, तो वो करने के बाद वो अब मेरा हस्बैंड का कुछ काम आ गया था, ऑफिस का काम, तो हम लोग नहीं गए. तो आज जा रहे हैं और सुना है बहुत सुंदर है, जाके देखेंगे. कोलकाता में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे जो मायापुर में इस्कॉन का जो टेम्पल है वहाँ पे हम गए हुए हैं, वो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे. और इस्कॉन का टेम्पल तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जगह पे है, और यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं. यहाँ से रथ यात्रा होता है, वो इस्कॉन का टेम्पल का जो जो स्पेशल वो रथ यात्रा होता है वो जून में होता है, और वो पूरा बाल्टीमोर डाउनटाउन एरिया में वो रथ यात्रा होता है, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क एंड और भी सारे स्टेट्स में वो रथ यात्रा होता है इस्कॉन का. तो मैंने देखा है और वो बहुत अच्छा होता है. तो अभी रेडी हो गई हूँ, चलते हैं इस्कॉन का टेम्पल. और आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, इट्स नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ही सूदिंग वेदर है बहुत दिनों के बाद. सुबह आज थोड़ा ठंड लग रहा था, अभी तो आफ्टरनून टाइम तो थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है वेदर. और अभिषेक आज एकदम इस्कॉन टेम्पल का पूरा ड्रेस पहन के आया है. लेट मी शो यू द ड्रेस. कैन यू टर्न अराउंड. ये टी शर्ट अभिषेक ने लास्ट टाइम खरीदा था रथ यात्रा में. इस्कॉन का जो रथ यात्रा है होता है वहाँ पे बहुत सारा स्टॉल था, तो वहाँ से लिया था. ये बैकड्रॉप पे दिस इज द टेम्पल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर है, और बहुत बड़ा है ये टेम्पल, बहुत शांत है. इट्स काम एंड पीसफुल, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है. इज क्लोज्ड फॉर लंच आवर्स, 1 बजे से 3:30 तक क्लोज रहता है, तो ये हमको पता नहीं था. सो वी केम जस्ट बाई 1:30 और सबसे बात किया. वहाँ पे वॉलेंटियर्स और प्रीस्ट था, तो उनसे बात किया, हमारा नंबर ईमेल्स ये सब एक्सचेंज हम लोग किया वहाँ पे. तो थोड़ा भूख लग गया है, कहीं पे खा लेते हैं, फिर घूम के आएंगे. मंदिर 3:30 ओपन होगा, तब संध्या आरती होगा, वो देखेंगे, वो बहुत सुंदर होता है. और ये जो नया मंदिर बना ये तो बहुत सुंदर बना, बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो थोड़ा कुछ खा के फिर हम लोग आएंगे और संध्या आरती देखेंगे.
टेस्टी टेस्टी मील आ गया है. मैंने ऑर्डर किया था मोज़रेला स्टिक्स एंड फ्रेंच फ्राइज, और मेरा हस्बैंड ने ऑर्डर किया था चिकन एंचिलाडा एंड देयर इज चिप्स एंड सालसा. मैं और रॉन शेयर करेंगे, तो हम अभी लंच एंजॉय कर लेते हैं. Authentic Mexican, so it was wonderful. I just love the flavor. और अभी 15 minutes बाद temple open हो जाएगा, तो वहाँ पे संध्या आरती होगा, फिर पूजा होगा, तो अभी चलते हैं वहाँ पे. It's 6 p.m. now और बाहर कितना धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है. देखने से लगेगा it's like 3 or 4 p.m. but it's 6:10 now. और मेरा सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो चाय पीने का मन हो रहा है. घर जाके फिर देखते हैं, अगर यहाँ पे जो इंडियन स्टोर है, जो हमारा नियरेस्ट इंडियन स्टोर, वहाँ से थोड़ा समोसा लेके जाएंगे, सोच रहे हैं. वी आर बैक होम, और घर आते हुए हम लोग इंडियन स्टोर से समोसा लेके आए थे. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक खाना, मतलब खाना या स्नैक्स ऐसा खाने का मन होता है, तो मुझे आज स्पेसिफिकली समोसा और चाय पीने का मन हो रहा था. और लकीली मुझे इंडियन स्टोर में वो मिल गया समोसा, तो हम लेके आए और मैंने चाय भी बना लिया है. पहले चाय और समोसा एंजॉय करते हैं. आज का व्लॉग यहीं तक था. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, बाय बाय.